हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, लास्ट वीक हमने उत्तरकाशी जिला कंप्लीट किया था। मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चमोली जिला। और आप सबको पता है चमोली जो जिला है ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा पर्वत चोटियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपकी जो पाँच बद्रियाँ हैं वो भी यहीं पर हैं। बहुत सारे पर्वत यहाँ पर हैं, ताल यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को तो मिलते ही मिलते हैं। इसलिए इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना भी है। ठीक, सबसे पहले इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं। जैसे हम हर जिले में पढ़ते हैं कि इसकी सीमाएं कौन कौन से अन्य जिलों से लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उत्तरकाशी है, फिर रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और पिथौरागढ़ है। यानी टोटल कितने जिले हैं? 6 जिलों से लगी हुई है। और नंबर एक पर आपका आता है पौड़ी। पौड़ी की सीमाएं 7 जिलों से लगी हुई हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? चमोली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो चीन से इसकी सीमाएँ लगी हुई है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसका मतलब है जो चमोली जिला आपका है, एक तो इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है जो कि चीन से लगी हुई है, बाकी किससे है? पूरा हमारे अपने ही जिलों से लगी हुई है। ठीक है, दूसरी बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो अगर आप इसकी वेबसाइट में देखेंगे या सारी बुक्स में, इसका लगभग जो क्षेत्रफल दिया है वो 8030 वर्ग किलोमीटर ही दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, वो चमोली है। और कितना इसका क्षेत्रफल है? 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है इसमें। बहुत सी जो कुछ बुक्स है उसमें कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन वेबसाइट पे जो है वो 8030 वर्ग किलोमीटर ही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है? वो है उत्तरकाशी। और उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये इसके क्षेत्रफल की बात हो गई। अब इसके आंतरिक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। और मुख्य मुख्य जो है मैंने सारे यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसमें आपको आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। अब आप इसी में देखेंगे तो पंचबद्री मैंने सारी इसी में नोट किया है। यहाँ पर जो भी प्रयाग है मैंने यहीं पर लिखा है, साथ ही साथ में पर्वत चोटियाँ भी कुछ मेंशन की हैं, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ें समझने में। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका चमोली जिला है, अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है गोपेश्वर में। ठीक है, ये आपका आज अभी तक हमने जो भी जिले पढ़े हैं उन सब के मुख्यालय कहाँ पर है? उसी जिले में है। यानी कि उत्तरकाशी का उत्तरकाशी है, नैनीताल का नैनीताल है, या फिर हमने पिथौरागढ़ पढ़ा था पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ है, लेकिन चमोली का मुख्यालय कहाँ पर है, जिला मुख्यालय, ये है गोपेश्वर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए इसके आंतरिक हिस्सों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन चमोली है वो कहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ सेंटर में आप लगा सकते हैं, गोपेश्वर से थोड़ा सा नीचे आपका चमोली है। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे से देख लेते हैं दक्षिण से। अगर आप अल्मोड़ा से जाएंगे तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा? ग्वालदम। यहाँ से जाते हुए गैरसैंण भी आपका यहीं पर है, जो हमारी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर है। और इसको सैण क्यों कहा जाता है? सैण का मतलब होता है प्लेन का एरिया। यानी कि जो आपका गैरसैंण है वो थोड़ा सा प्लेन का एरिया है, इसलिए उसका नाम क्या है? गैरसैंण है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर आप आएंगे, थराली है, नारायणबगड़ है, आदि बद्री जो आपका पंचबद्री में है वो भी आपका इसी हिस्से में, और ये सबसे दक्षिणी बद्री है। ठीक है, कर्णप्रयाग आपका यहीं पर है। इसके थोड़ा आप ऊपर जाएंगे आपको नंदप्रयाग यहाँ पर मिलेगा। ठीक, इसके अलावा गौचर आपका यहाँ पर है, पोखरी आपका ये हो गया, गोपेश्वर मैं बता चुकी हूँ, और आपका योग ध्यान बद्री यहाँ पर है। यानी गोपेश्वर से थोड़ा जब आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है? योग ध्यान बद्री। ठीक, इसके थोड़ा ऊपर आप जाएंगे जोशीमठ मिलेगा, वहीं से थोड़ा सा ऊपर पे आपका विष्णु प्रयाग है, और ये आपका रुद्रनाथ है। ठीक है, यहाँ पर आपका वृहद बद्री है, और ये आपका पांडुकेश्वर। यानी वृहद बद्री और पांडुकेश्वर बहुत ही आसपास में है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि वृहद बद्री कौन से हिस्से में है चमोली के, तो आपको पता होना चाहिए पांडुकेश्वर में है। इसी के थोड़ा ऊपर आप जाएंगे आपको यहाँ पर गोविंद घाट मिलेगा, और बद्रीनाथ आपका सबसे ऊपर है, और ये माणा जो आपका अंतिम गाँव है ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद चौखंबा आपका इस हिस्से में पड़ता है, और ये आपका यहाँ ऊपर गस्थौली है। इसके अलावा पर्वत चोटियों में आपको पता है कामेट है, माणा है, हेमकुंड साहिब, हाथी पर्वत, ये सारे इस साइड को हैं, और इधर ही मैंने ये लिखे हुए हैं। और भविष्य बद्री जो आपका है ये आपका लगभग पूरब की साइड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूनागिरी पर्वत यहाँ पर है, नंदा देवी पर्वत या फिर राष्ट्रीय पार्क आपका इस साइड पड़ता है, और त्रिशूल जो आपका पर्वत है वो आपका यहाँ पर पड़ता है। तो ये इसके कुछ अंदर के मुख्य जो भी क्षेत्र हैं, जो भी पर्वत वगैरह हैं, वो यहाँ पर है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या नोट किया होगा? एक आपका आदि बद्री ये है, दूसरा थोड़ा ऊपर जाएंगे योग ध्यान बद्री दो, भविष्य बद्री तीन, चौथा आपका वृहद बद्री, और पांचवा आपका बद्रीनाथ। पांचों के पांचों बद्री इसके अंदर मेंशन है। तो जैसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, डेली अगर इसको देखोगे तो ये चीज़ आप इसके अंदर देख के पता चल जाएंगी। ठीक है,
तो थोड़ा इसे अच्छे से आप अपने मैप में मेंशन करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी होती है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रयागों की बात की जाए तो आप देख सकते हो कर्ण प्रयाग यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर नंद प्रयाग है, यहीं से जब आप ऊपर जाते हैं विष्णु प्रयाग आपका यहाँ पर है। तो ये तीनों प्रयाग आपके चमोली में पड़ते हैं। बाकी दो जो प्रयाग है, यानी कि एक तो आपका रुद्रप्रयाग हो गया और दूसरा आपका देवप्रयाग हो गया, तो रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में पड़ता है और जो आपका देवप्रयाग है वो आपका कहाँ पड़ता है, टिहरी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए पंच प्रयाग। अब बात कर लेते हैं चमोली जिले की हिस्ट्री के बारे में, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ था चमोली, वो कहाँ पर था, चांदपुरगढ़, इसी चमोली में था जहाँ पर परमार राजवंश शासन कर रहा था। ठीक है, तो परमार राजवंश का शासन था ये हम सबको ही पता है और हमने हिस्ट्री पढ़ ली है और बहुत बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है चमोली का पुराना नाम क्या था, लाल सांगा, प्राचीन नाम, और इसे कहा जाता था लाल सांगा। ठीक है, क्षेत्रफल मैं इसका आपको बता चुकी हूँ, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर पूछा जाए कि जिला ये कब घोषित किया गया था, तो 1960 में इसको जिला घोषित कर दिया गया था। तीसरी बात, जिला मुख्यालय मैंने आपको बताया कि इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में है। ठीक है, अब जिला मुख्यालय गोपेश्वर क्यों बनाया गया था, क्योंकि अलकनंदा आप सबको पता है लगभग यहाँ से आपकी अलकनंदा बहते हुए आती है, और अलकनंदा में एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, बहुत भीषण बाढ़ आ गई थी, और वो आई थी 1970 के आसपास। ठीक है, तो जब ये बाढ़ आई थी यहाँ पर, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो यहाँ पर चमोली मुख्यालय था सब कुछ ढह गया था, यानी जो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनी थी सारी वो नष्ट हो चुकी थी। इसको देखते हुए बाद में जिला मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, गोपेश्वर बनाया गया था। और ये जो बाढ़ आई थी, ये आई थी 20 जुलाई 1970 को। ठीक है, तो ये बनाया गया था 20 जुलाई नहीं सॉरी तो जिला मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में। ठीक है, और अगर इस गोपेश्वर के आपसे अन्य नाम पूछे जाते हैं, तो एक इसका नाम है गोथला, गोपाला और गोस्थल। गोस्थल और गोथला, ये गोपाला है। ठीक है, गोपाला, गोथला और गौस्थल ये किसके अन्य नाम है, गोपेश्वर के अन्य नाम है, ये भी आपको एक बार देख लेने हैं। बाढ़ कब आई थी, ये आई थी 20 जुलाई 1970 को। ठीक है, तो इस दिन बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अलकनंदा में ही आई थी और ये सारा का सारा जो है यहाँ की बिल्डिंग वगैरह ढह गई थी। उसके बाद मुख्यालय कहाँ बनाया गया, गोपेश्वर को बनाया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी आप सबको मैं बता चुकी हूँ कहाँ पर है, गैरसैंण में अभी बनाई गई है। तो ये आपका गैरसैंण, ये लगभग आपका किस साइड पड़ता है, दक्षिण की साइड में ये पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बद्री कितनी है, 5 बद्री हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझने के लिए इसको इसी तरीके से मैप में बना के समझ लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के दर्रे हैं, जो कि आपसे एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख दर्रे। तो देखिए, दर्रे में आपको बता चुकी हूँ, दर्रा क्या होता है, एक जब दो पहाड़ लगते हैं तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने का एक संकरा मार्ग होता है, वो चाहे आप पैदल तय करें या आप रोड के द्वारा तय करते हैं, जैसे भी आप तय करते हैं, एक पतला सा रास्ता होता है जिसको नाम दिया जाता है दर्रे। तो चमोली ज़िले में बहुत से दर्रे हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप चाहें तो मैप में भी इसे लिख सकते हैं और चाहें तो इसे एज इट इज़ नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, बट मैं यहां पर लिख रही हूं चमोली प्लस तिब्बत। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत के बीच में है नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, ढुंगरीला, बालचा, छलछल, तंजुम, कोई, ये सारे दर्रे आपके कहां पर पड़ते हैं, चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ही नोट करना है, नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, ढुंगरीला, बालचा, छलछल, तंजुम,
कोई, भ्यूंडार, चोर होती, लमलंग, इसके अलावा एक है मारही और एक है तंजुम, तंजुम। तो ये आपके दर्रे हो गए किसके बीच, चमोली प्लस तिब्बत के बीच। इन्हें आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप अलग सा मैप बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। तो नीति, माड़ा, किंगरी, बिंगरी, माड़ा, ढुंगरीला, बालचा, शलचल, तंजुम, कोई, ढूंढार, चोर होती, शायद मैंने चोर होती नहीं लिखा है, तो ये आपके क्या हो गए, नहीं लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके चमोली और तिब्बत के। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चमोली प्लस पिथौरागढ़, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है बारा होती, लातूधूरा, मार्च योग, ठीक है। बारह होती, लातूधूरा, मार्च योग और टोपी ढूंगा, तो ये चार आपके किस किस के हैं, चमोली प्लस पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे। तो ये आपको याद कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा चमोली प्लस बागेश्वर के बीच में, और यहाँ पर जो आपका दर्रा है उसका नाम है सुंदर ढूंगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, सुंदर ढूंगा। तो ये आपके हो गए दर्रे जो आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माड़ा, नीति, किंगरी, बिंगरी, ये आपके बहुत ज़्यादा आपने देखे भी होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देख लेने हैं, और ये सुंदर ढूंगा आपका चमोली प्लस बागेश्वर के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही याद कर लेने हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी किसके बारे में, प्रयागों के बारे में, कि प्रयाग कौन किस किस नदी के संगम से मिलकर बने हैं, वो आप देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो। अब डाल लीजिए प्रमुख प्रयाग, तो प्रयाग आप सबको ही पता है प्रयाग किसको कहा जाता है, जहाँ पर दो नदियों से मिलकर जब बनता है तो उसको कहा जाता है प्रयाग। और प्रयाग में सबसे कॉमन नदी कौन सी है यहाँ पर आपके पंच प्रयागों में, वो है अलकनंदा, जो कि कहाँ से निकलती है, आपके सतोपंत हिमनद जो है उसके अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक। अब पंच प्रयाग आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है विष्णु प्रयाग, दूसरा आपका है नंद प्रयाग, तीसरा आपका है कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये आपके पांच प्रयाग हैं, जिसमें से तीन आपके किस में पड़ते हैं, चमोली जिले में पड़ते हैं, एक रुद्र प्रयाग में है, और चौथा आपका कहाँ पर है, पाँचवा वो आपका टिहरी में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं मैप को हटा रही हूँ ताकि मुझे स्पेस अच्छे से मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अलकनंदा दिखानी है, और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंत हिमनद से। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलकनंदा का कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से, सतोपंत हिमनद के अलकापुरी बांक हिमनद से है। इसके बाद जब आपकी अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपका पड़ता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से आपकी आती है पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा आती है यहाँ पर अलकनंदा में मिलती है, और इन दोनों के संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, और जो आपकी पश्चिमी धौली गंगा है इसी को क्या कहा जाता है, विष्णु गंगा भी कहा जाता है, विष्णु गंगा। तो जो पश्चिमी धौली गंगा है ये कहाँ से निकलती है, ये धौलागिरी जो आपका पर्वत है उसकी एक श्रेणी है, कुनकुल श्रेणी, यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि धौली गंगा का उद्गम कहाँ से है, तो धौलागिरी पर्वत के कुनकुल श्रेणी से इसका उद्गम है, और यहाँ से निकलकर अलका यहाँ पर अलकनंदा में मिलती है, जिसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक। इतना जानने के बाद ये आपका पहला प्रयाग है, ये आपको सबको ही पता है। और जो आपका विष्णु प्रयाग है ये दो पर्वतों के बीच में है, एक को कहा जाता है जय और दूसरे को कहा जाता है विजय, ठीक है। जय विजय पर्वत के बीच में ये है। दूसरी बात, ये बहुत दुर्गम इलाके में है। दुर्गम इलाके का क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब आवास नहीं है, कोई रहता नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है दुर्गम इलाका।
तीसरी बात है जो यहाँ से आपका प्रयाग शुरू होता है तो इसको कहा जाता है सूक्ष्म बद्री। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि विष्णु प्रयाग से आपका क्या शुरू हो जाता है, सूक्ष्म बद्री। सूक्ष्म बद्री इसको कहा जाता है। ये तीन पॉइंट आपको इसके बारे में नोट कर लेने हैं विष्णु प्रयाग के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या है, इसी के आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ से जब आपकी अलकनंदा आगे बढ़ती है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी मिलती है और इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। इसको कहा जाता है नंद प्रयाग। और जो आपकी नंदाकिनी है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघुटी से। कहाँ से, त्रिशूल पर्वत। नंदा घुघुटी, ठीक है, यहाँ से ये निकलती है और मिलकर कहाँ पर आती है, सीधे अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक, तो ये आपका हो गया नंद प्रयाग। इसके बाद जब अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है तो आगे यहाँ पर पड़ता है आपका कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग में इसमें कौन सी नदी मिलती है, उसका नाम है पिंडर। और पिंडर नदी निकलती है पिंडर ग्लेशियर से। ठीक, पिंडर ग्लेशियर से ही निकलती है और यहाँ पर आकर ये अलकनंदा में मिल जाती है, जिसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक, इसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ी आपकी अलकनंदा तो यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। और यहाँ पर रुद्र प्रयाग पड़ता है, और रुद्र प्रयाग में इसमें कौन सी नदी मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी इसमें यहाँ से आके मिलती है। ठीक है, ये हो गई मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। इसके बाद जब यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएगा तो ये आपका पहुँच गया टिहरी में, और टिहरी में इसको कहा जाता है देव प्रयाग। और देव प्रयाग में कौन सी नदी आती है, यहाँ से आपकी आएगी भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, तो ये आपके हो गए पांच प्रयाग जो कि आपको पता होने चाहिए। विष्णु प्रयाग कहाँ पर पड़ता है, चमोली में, यहाँ यहीं पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, नंद प्रयाग भी चमोली सी लिख रही हूँ, कर्ण प्रयाग भी आपका चमोली में, ये तीन प्रयाग आपके चमोली में पड़ते हैं। रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है, और देवप्रयाग आपका टिहरी में पड़ता है, टिहरी में। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि विष्णु प्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा कॉमन है, यहाँ पर ध्यान रखना है पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा, उसने ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि अलकनंदा प्लस धौली, पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है, तो आपको पता होना चाहिए विष्णु प्रयाग है। इसी तरीके से या तो ये पूछ लेगा विष्णु प्रयाग किस जिले में है, या फिर आपका देव प्रयाग किस जिले में है, तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके हो गए पंच प्रयाग, इनको आप लोग इसी तरीके से नोट कर लेना, मैप के थ्रू ये होता है, ईजी हो जाती हैं चीज़ें समझना। ठीक है, बाकी आपका जो अलकनंदा नदी तंत्र है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके जो पंच बद्री हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आएंगी इसकी तीन से चार वीडियो आप लगा लीजिए, आएंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो ये आपका आज हो गए पंच प्रयाग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वारी होती है तो आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इसके अलावा वीडियोज़ को लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है, उसका उससे मेरा भी मोटिवेशन अप होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।